हसन चलो जल्दी से दूध खत्म करो, और तुम्हारा लंच बना के रख दिया, सारा खत्म करके आना है तुमने। मामा सुबह इतनी जल्दी क्यों जाती है? सुबह तो अपने वक्त पर होती है ना। तुम रात को जल्दी सोया करो, कितनी बार कहा है, नींद पूरी नहीं होती ना, इसलिए सुबह जल्दी लगती है। अबू ने इतनी तेज आवाज में टीवी चला के रखा हुआ था, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। अच्छा जल्दी दूध खत्म करो। मामा आप दूध क्यों नहीं पीती? दूध तो बच्चे पीते हैं ना, तुम दूध पियोगे फिर जल्दी से बड़े हो जाओगे। लेकिन अबू तो रोज पीते हैं इतना बड़ा ग्लास भर के। जल्दी खत्म करो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, वैन आ गई है तुम्हारी। अशरफ अशरफ उठ जाइए ना, इतनी देर हो गई है। मैंने नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया है। अशरफ मैंने चाय भी बना दी है, ठंडी हो जाएगी, आप उठ जाइए। अरे कितनी बार एक ही बात दोहराओगी, सुबह सुबह चिल्लाती रहती हो, रोज समझाता हूँ ना किया करो ऐसे। कितनी बार समझाया इस औरत को, चिल्लाती रहती है, सारी नींद खराब करती। अभी तो देर है भाई मेरे यार अशरफ की सुबह होने में। कर ले तो ये नाश्ता तुम, हाँ ठंडा अंडा पराठा, सुबह की रखी हुई चाय, हलक से कैसे उतरता है तुम्हारे? ऐसे तो अच्छा है बंदा भूखा ही रह ले। मजबूरी है भाई, तुम्हारी भाभी को सुबह स्कूल जाना होता है नौकरी पे, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन गर्मा गर्म भी मिल जाता है, वरना यही बर्दाश्त करना पड़ता है। भाभी घर पर बैठकर भी तो कोई काम कर सकती है ना। देखिए यार जमाना बड़ा खराब है, और मैं औरत को इतनी आजादी देने के हक में कभी भी नहीं हूँ, साफ साफ सी बात है। देखो तुम मेरे घर के हालात अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें पता है मेरी नौकरी तो आए दिन छूट जाती है, नाजिया काम करती रहती है तो परेशानी नहीं होती, इसीलिए तो जाने देता हूँ मैं। लेकिन घर पर बैठकर बहुत सारे काम हो सकते हैं, मतलब ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है, सिलाई कढ़ाई हो सकती है। मेरे ख्याल में औरत का असल मकाम जो है ना घर होता है उसका, और शौहर की खिदमत करना उसका अव्वलीन फर्ज। क्या तो तुम ठीक ही रहे हो, मगर नाजिया अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। बहुत मुश्किल है। तुम डरते हो मर्द बनो भाई, तो भाभी से तुम इतनी सी बात नहीं मनवा सकते। दबके रहने का इरादा है क्या है? जिंदगी भर यूं ही है, ठंडा अंडा पराठा और बासी चाय पियोगे? देख लो मैं तो ऐसे ही अपनी राय का इजहार कर रहा था। चलो चलता हूँ यार। कहाँ जा रहे हो? कुछ अच्छा खाने का मूड हो रहा है यार, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, ये खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मैं भी चलूँ?
हाँ चलो तैयार हो गया, जल्दी आ जाना, एक घंटा नहीं लगा। हाँ अभी आया। नाजिया मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। क्या हुआ खैरियत? कुछ इमरजेंसी हो गई है और मुझे जल्दी घर जाना पड़ रहा है, और आज तो छुट्टी के बाद 6B की मेरी एक्स्ट्रा क्लास भी थी। कोई बात नहीं, कल ले लेना। कल नहीं ले सकती क्योंकि प्रिंसिपल का मूड ऑलरेडी बहुत खराब है बच्चों के खराब रिजल्ट की वजह से, और अगर इस सिचुएशन में मैंने मना कर दिया तो उनका सारा गुस्सा मुझ पर ही उतर जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे बताओ कौन सा है। हाँ ये वाला चैप्टर है 18 और 19। बस ये करवाना। तुम जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, थैंक यू वंस अगेन। हाँ ये हुई ना बात। हाँ हाँ एक बात है आशा, काम करो या ना करो बस पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है तेरे पास। मैं अपने सारे शौक पूरे कर लेते हो और तरसना भी नहीं पड़ता क्योंकि शौक के लिए, क्या बात है। हाँ ये तो है, वैसे मैं 3-4 महीने से ज्यादा घर पे नहीं बैठता, कहीं ना कहीं काम लग ही जाता है, पर क्या करूं छोड़नी पड़ जाती है, किसी से मिजाज ही नहीं मिलता। अरे तो इसमें तुम्हारा कसूर थोड़ी है यार, तुम लोग ही ऐसे बैठे हैं इदारों के अंदर, शरीफ आदमी काम थोड़ी कर सकता है उनके साथ। अरे पर मैं किसी को खाते में नहीं लाता, बेकारी नहीं हूँ कि जॉब के पीछे भागता फिरूं, बॉस की खुशामद मुझसे नहीं होती, मेरा मिजाज नहीं है, तुम तो जानते हो मुझे। हाँ नाजिया क्या बात है, आ गई हो घर? देर लगी, आधा घंटा पहले स्कूल की छुट्टी तो हो गई है, जल्दी पहुंचो घर। याद करें हसन, जल्दी से कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? बाबा काम पर गए हैं। काम पर? वो तो काम पर जाते ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हसन, वो काम पर जाते हैं, बस कभी कभी
मजबूरी की वजह से छुट्टी कर लेते हैं। और ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े ही नहीं बदले? चलो आओ मेरे साथ, तुम कपड़े चेंज करो, आ जाओ। चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर आराम करना, शाम को उठ के होमवर्क करना। मामा शाम में पार्क चले ना। आज पार्क नहीं जा सकते, संडे को चले, आज मुझे बहुत सारे काम है घर पे। अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं खाने की। कहाँ गई थी तुम आज, देर से क्यों आई हो? कहाँ जाती हो तुम रोज रोज, क्यों बेवकूफ बना रही हो मुझे? सच सच बताओ कहाँ जाती हो? श्रफ, हसन अंदर जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। श्रफ, कितनी बार मैंने कहा है हसन के सामने इस तरह बात मत किया करें, वो पता नहीं क्या समझेगा हमारे बारे में। अपने बारे में बात करो, मेरा किरदार मशकूक नहीं है। ये रोज सज धज के कहां जाती हो तुम, सच सच बताओ। मैं कहां तैयार होती हूँ, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आपने लोगों को नहीं देखा किस तरह तैयार होकर बाहर जाते हैं? अशरफ खुद आप कभी गंदे हुलिये में बाहर गए हो? मेरे आगे जबान चलाती है, आइंदा मेरे सामने जबान खोली ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कान खोल के सुन लो, देर से घर मत आना, और कोई जरूरत नहीं सज धज के घर से बाहर निकलने की। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, बहुत उम्र है तुम्हारी। अभी तुमको याद ही कर रहा था मैं। कैसी तबीयत है? काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई ना, तुम्हारी फिक्र लगी भी थी मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा, आप मेरी फिक्र मत किया करें, बस अपना ख्याल रखा करें। तुम्हारी फिक्र क्यों ना करें बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? अच्छा ये बताओ मेरा बेटा हसन कैसा है? काफी दिनों से उसको देखा नहीं है ना, बहुत दिल चाह रहा था देखने के लिए। अच्छा एक काम करो, तुम लोग इस बार के दिन आ जाओ, साथ बैठ के खाना खाएंगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा बेटा। हसन बिल्कुल ठीक है अपा, लेकिन इस इतवार को नहीं आ सकती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी, हसन भी आपको बहुत याद करता है। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें आसानी हो बेटा, बस अपना ख्याल रखा करो, अल्लाह तुम्हें अपने घर में बहुत खुश रखे। बहुत खुश रखे बेटा। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ताफ़ेस। क्या हुआ, मुझे देखते ही फोन बंद कर दिया, किसका फोन था? अब्बा से बात कर रही थी, खैरियत पूछ रहे थे। अच्छा अब्बा से बात कर रही थी, ये तुम्हारे अब्बा खैरियत बार बार पूछते रहते हैं, क्या उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे तुम पे बहुत जुल्म होता है? और अगर यहाँ वाकई बहुत जुल्म होता है तो क्यों नहीं ले जाते अपनी बेटी को अपने घर, यहाँ क्यों छोड़ रखा? वैसे अब्बा से ही बात कर रही थी ना, या कोई और सिलसिला पाल रखा है? अगर है तो बता दो मुझे, आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। और सुनो, अगर वाकई अपने अब्बा से बात कर रही थी तो उन्हें समझा दो वक्त बे वक्त कॉल ना किया करें, घर का माहौल डिस्टर्ब होता है।
क्या हुआ नाजिया? किन सोचो मैं गुम हूं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, इतनी डल-डल सी भी लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे। कुछ तो जरूर हुआ है, तुमने लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई। और तुम्हें तो पता ही है कि प्रिंसिपल साहिबा जो है वो कितना ज्यादा अपीयरेंस को लेके कॉन्शियस हैं, और वो जरूर कोई ना कोई रिमार्क्स पास कर देंगी इस पे। मैं क्या करूं, तुम तो जानती हो ना अशरफ की आदत को, दिन ब दिन उनका शक बढ़ता जा रहा है। अपने शौहर के शक के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए उनको कि वो तुम पे शक करते हैं, खुद तो कुछ काम काज करते ही नहीं। और खैर तुम छोड़ो, मूड ठीक करो और ये चलो लिपस्टिक लगाओ। अरे प्रिंसिपल साहिबा अभी राउंड पर आने वाली हैं, क्यों उनकी तनकीद सुनना चाह रही हो? चलो लगाओ लिपस्टिक, घर जाते हुए साफ कर देना। नहीं, ये मुनाफ़कत है। अशरफ, अशरफ मेरी बात सुने। अशरफ, क्या मुसीबत हो गई है? इसके अंदर मैंने पैसे रखे थे बिल जमा करवाने के लिए, इसमें नहीं है। अब अपने चंद हजार रुपयों की खातिर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बिल जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है, अगर नहीं जमा करवाए तो चार्जेस लग जाएंगे। हाँ तो मजबूरी में लिए हैं मैंने, कोई ऐश करने के लिए नहीं लिए। ये तो मेरे हालात खराब है, वरना तुम्हारे जैसी आजाद ख्याल औरत को घर में कैद करके रखता मैं। उसका मतलब है आपने लिए पैसे? हाँ मैंने लिए, कर लो जो कर सकती हो। चंद रुपयों की खातिर अपने शोहर की बेइज्जती करती है नाफरमान औरत। कान खोल के सुन लो, बहुत हो गया है घूमना फिरना, कल से तुम घर में बैठोगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, इसीलिए तो हसन की फीस माफ है। मैं दूसरे स्कूल में से पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, अपनी गली के स्कूल में दाखिला करवा दूंगा मैं उसका, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं। बाप होकर अपने ही बेटे के दुश्मन, को अंदाजा नहीं है उस मासूम की तालीम पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। जबान चलाती हो मेरे सामने? कान खोल कर मेरी बात सुन लो, ये स्कूल वगैरह का चक्कर खत्म, कल से तुम घर में बैठोगी, हो गया फैसला। मैं भी देखता हूं मेरी इजाजत के बगैर कहां जाती है। क्या हो गया, मूड खराब लग रहा है मेरे शहजादे का? अबे होना क्या था, तंग आ गया हूँ अपनी बीवी से रोज रोज की झिकझिक। क्यों भाई, अब क्या हुआ? मजबूरी में थोड़े पैसे निकाल लिए अलमारी से, जरूरत थी मुझे, लान तान करने लग गई। बात तो ऐसे करती है जैसे सारा घर वही चलाती हो। अरे फिर क्या हुआ? फिर मैंने भी उसे कह दिया कोई जरूरत नहीं काम पे जाने की, स्कूल वूल बंद। तुझे लगता है तेरी बात मान ली हो? कैसे नहीं मानेगी, और अगर गई तो सारा महल्ला तमाशा देखेगा, तुम भी देख लेना। खैर छोड़ ना, अपना मूड क्यों खराब कर रहा है। हाँ तुझे कड़क चाय पिलाता हूँ, चलो। या अल्लाह, तू तो सब जानता है। ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर को नेक बना दे, उसके दिल में मेरे और मेरे बच्चे के लिए मोहब्बत डाल दे।
यार सुन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया तेरे साथ यार। मतलब चलो अब तक तो ये सबर था ना कि भाई भाभी जॉब कर रही हैं, घर को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ये तो नाफरमानी की इंतहा है यार। मतलब तुम्हारे मना करने के बावजूद वो गई, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो उन्हें? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, एक दिन रुक जाती मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता शायद मैं ही। भाई जरा बराबर परवाह नहीं होनी तुम्हारी, मान लो ये बात। वैसे ये बड़ी खतरनाक बात है, औरत जब नाफरमानी पर उतारा है तो उसका एक ही मतलब होता है। छोड़ो यार ये तो कोई और ही चक्कर है, तुम दूसरी शादी के बारे में सोचो ना भाई। बीवियां नेक और सादतमंद ही अच्छी लगती हैं ना, आजकल की बीवियां तो शौहर को रुसवा करके छोड़ती हैं। चलो खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि आज स्कूल नहीं जाना, फिर क्यों गई? और आज तो कुछ ज्यादा ही सज धज के गई थी। आखिर कौन है वहां पे जो तुम्हारा इंतजार करता है, कौन है वो? श्रफ। इस तरह बाहर मुनासिब नहीं है बात करना। घर से बाहर तुमने कदम निकाला था, ये तो शुक्र है कि मुझे तुम जैसी बेहया औरत को घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बाहर चली गई हो तो इस घर से मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत करे प्लीज, मैं वादा कर रही हूँ एक महीने बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैंने उन बच्चों पर बड़ी मेहनत की, उनके एग्जाम्स हो जाए मैं जॉब छोड़ दूंगी, मैं वादा करती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और इस लड़के को अपने साथ लेके जाना, इसका और तुम्हारा मुझसे अब कोई ताल्लुक नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अशरफ ऐसा नहीं करो, अशरफ दरवाजा खोले, ऐसा मत करे, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसा को लेकर, ऐसा मत करे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो अशरफ, अशरफ मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। चलो बेटा आ रहा हूँ। अरे नाजिया बेटा तुम सब खैरियत तो है ना, और अशरफ कहाँ है? इसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? मगर क्यों? हाँ बेटा आओ आओ आओ। तू तो किचन में ऐसे जा रहा है जैसे नाश्ता तेरे लिए तैयार रखा होगा। अरे वो तो नाजिया थी जो स्कूल जाने से पहले तेरे लिए नाश्ता तैयार रख के जाती थी। तो नहीं वैश या बहुत जल्दी घबरा गए हो? यार घर नहीं संभाला जा रहा मुझसे, और तो और फ्रिज में ठंडी पानी की बोतल भी नहीं होती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, कोई काम करने की आदत थी नहीं, मुझे बहुत मुश्किल में हूँ। तो तुम्हारा ये मसला हल कर लेते हैं, एक रिश्ता है मेरी नजर में, मेरे जाने वाले हैं, लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन दुकान है बहुत है उसके नाम। और
उन सब का किराया? जाहिर है, दुकानें लड़की के नाम पे है तो किराया भी उसी के नाम पर आता होगा ना। घर भी बहुत है, मतलब जॉब करने का कोई सीन नहीं है बॉस। घर हैं, दुकानें हैं, किराया आएगा। दोनों मियां बीवी ऐश से इशरत से रहेंगे और खाएंगे। मतलब तस्वीर है मेरे पास, अगर कहो तो मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही शरीफ और सजा हुआ घराना है। उम्र थोड़ी ज्यादा है, किराए वाली बात पक्की है ना? बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा, जरा कंफर्म कर लो। देखो ये बात सुनो, ये शरीफ लोगों में ना दो नंबर वाली बातें नहीं होती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें उनके ऊपर शक हो रहा है ठीक है, मना कर देता हूँ मैं। नहीं तो भाई वो किराए की वजह से कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, रिश्ता पसंद है मुझे, तुम बात कर लो मेरे लिए। कर लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। चाय लेकर आऊं आपके लिए? नहीं नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? अशरफ की तरफ से तो कोई खैर खबर नहीं है ना? मैं समझ रहा था कि अपने किए पे शर्मिंदा होकर तुमसे माजरत करेगा, लेने के लिए आएगा तुम दोनों को, लेकिन उसका जिक्र मत किया करें अब्बा, उसको उसके हाल पर छोड़ दें। अब्बा मैं बहुत खुश हूं आपके साथ, हसन के साथ। कोई आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, बेटियां माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती, लेकिन हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारे। लेकिन हर माँ बाप यही चाहते हैं बेटा। हसन को देखकर आती हूँ, बहुत देर से नहीं आया। वो मैं चाह रहा था बेटा कि अशरफ से मैं खुद बात करूं, शायद वो मेरा कुछ लिहाज कर ले। उसकी जरूरत नहीं है। जिस इंसान को अपनी औलाद का एहसास नहीं है वो आपका लिहाज क्या करेगा? समझ कीजिएगा। मैं देखती हूँ। क्या है बेटा?
माफ करना शकीला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारे शायान निशान अंदाज में नहीं हो सका। तुम्हें हमारा घर पसंद आया? ठीक है, मुझे क्या पसंद नहीं आया तो बाद में बदल लेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। मुझे घर के मामलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं। ये सारी चीजें तो नाजिया देखा। नाजिया? वो तो तुम्हारी पहली बीवी का नाम है ना? हाँ, मैंने भी किसका नाम ले लिया। उसकी तो मैं सूरत तक नहीं देखना चाहता। बहुत ही घटिया और खुदसर औरत थी वो। तलाक दे चुके हो ना उसको? उसका किस्सा खत्म हुआ? हाँ, मैं भी किन बातों में लग गया। एक मिनट यहीं रुको, मैं आया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई छोटा सा तोहफा। आर्टिफिशियल तो नहीं है ये? क्या बात कर रही हो, खालिस सोने का है। कैसा लगा? बस ठीक ही है। पहना दे। शुक्र है उस मनहूस नाजिया का जेवर कुछ तो काम आया। शकीला, शकीला, क्या है यार? 11 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता तो बना दो। तो खुद जाके बना लो ना। आइंदा मुझे सोते में से उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी देर तक सोती हो। सुबह से भूखा बैठा हूँ, जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। हेलो, नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते बनाऊंगी। उठो, किचन में जाओ, अपने लिए भी नाश्ता बनाओ, मेरे लिए भी। क्या देख रहे हो, समझ में नहीं आई बात? मुलाजमत समझ के रखा हुआ है मुझे, बड़ा आया। नाश्ता बना दो, नवाब का बच्चा। नाजिया, नाजिया बेटा, नाजिया। जी अब्बा। पकड़ो इसे। हाँ
भाई ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बहुत कामयाब करे। बहुत कामयाब करेगा बेटा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र, तुम्हारी हिम्मत का अजर ना तुम्हारी उम्मीदों से बढ़ कर देगा। बस कभी परेशान मत होना बेटा, हिम्मत नहीं हारना। अल्लाह ताला अपने बंदों को अकेले थोड़ी ना छोड़ता है। जज़ाकअल्लाह अब्बा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपनी जिंदगी को संभाल पाई, तो मेरी भी जिंदगी का यही मकसद है कि बस हसन इस काबिल हो जाए कि किसी का मोहताज ना हो। इंशाअल्लाह मैं इसे बाहर लगा के आता हूँ, ठीक है? शकीला, शकीला मुझे 6,000 रुपए दे दो, मैंने बिजली का बिल जमा कराना है, आज आखिरी तारीख है, हमारे घर की बिजली कट जाएगी। अरे तो क्या हो गया, खुद बिजली का बिल जमा करा दो, क्या मेरे आने से पहले बिजली के बिल नहीं जमा होते थे? वो तो नाजिया जमा करवाया करती थी अपनी तनख्वाह में से, मैंने तो कभी भी नहीं करवाया। बहुत ही बेवकूफ औरत थी, अपने पैसे इस घर पे खर्च कर रही थी। अगर तुम पे जिम्मेदारी डाली होती ना तो इस घर पे राज कर रही होती। अशरफ अपने लिए ना कोई नौकरी ढूंढो, वरना मैं अपने खालू से बात करती हूँ, उनकी फैक्ट्री है, तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। अरे वो सब तो बाद में देखा जाएगा, आज की तारीख निकल गई तो बिजली कट जाएगी, कुछ तो करो प्लीज। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, जाओ किसी से पैसे लेके बिल जमा करा दो, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है इसमें। अच्छा मुझे याद आया, मैं ना एक लिस्ट बना के देती हूँ तुम्हें, एक बहुत ही खास मेहमान आ रहा है, तुम वापसी पे ना वो सामान लेते हुए आना, बस मैं बस अभी देती हूँ। चंद रुपयों की खातिर अपने शोहर की बेइज्जती करती है नाफरमान औरत। तुम भी ना बहुत ही कमाल की चीज हो, वेरी नॉटी। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे तुम सामान नहीं लेकर आए, मैंने लिस्ट दी थी और बोला भी था कि सामान याद से ले आना। शकीला मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने बिजली के बिल के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं हिम्मत नहीं थी मुझ पे सामान खरीदने की, एक कप चाय पिला दो सर, मैं बहुत दर्द हो रहा है। अजीब इंसान हो तुम वैसे, इतने मामूली से दर्द में ना पहली दफा किसी आदमी को निढाल होते हुए देखा है मैंने, लोग तो माजूरी में भी काम करते हैं, जाओ मुझे सामान ला के दो फिर आके आराम कर लेना। अरे कहा ना हिम्मत नहीं है मुझमें, कितनी तकलीफ में हूँ, थक गया हूँ मैं। कैसी औरत हो तुम, तुम्हें अपने शौहर की तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं? ओए आवाज नीचे रख के बात कर, तमीज नहीं है बात करने की। ओए तुम कौन हो और हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? ये मेरा बेटा है दानियार, आज ही आया है, अभी हमारे साथ ही रहेगा। बेटा, तुम्हारा कोई बेटा भी है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अब पता चल गया ना, बस बात खत्म। बहुत ही लाडला बेटा है मेरा, तुम्हें पता है आज तक एक भी फरमाइश मैंने इसकी नहीं डाली, अब तुम्हें भी ना इसका बहुत ख्याल रखना होगा। अब खड़े क्या हो, चलो दानियाल को गले लगाओ। बस बस कोई जरूरत नहीं है गले लगाने की, अजीब सी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास से। सुना दानियाल क्या कह रहा है, जाओ जाके नहा कर आओ। आ जाओ बेटा।
ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। बताया क्यों नहीं मुझे तुमने कि शकीला का इतना बड़ा बेटा है पहली शादी से और वो रहेगा भी मेरे साथ। तुम अजीब बात कर रहे हो यार, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा खुद का भी एक बेटा है और शकीला से तुम्हारी दूसरी शादी और करते कराते भी कुछ नहीं हो। तुम ऐसी उम्र में कोई गैर शादीशुदा या जवान लड़की तो देने से रहा जो इतना भड़क रहे हो। तो दूसरी शादी कौन सा जुर्म है, हजारों लोग करते हैं और हो भी जाती है, ये सब मेरे साथ ही होना था। भाई तुम्हारी पहली शादी भी ना अच्छी भली जगह ही हुई थी, लेकिन तुमने खुद नाजिया भाभी की कदर नहीं की। दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना कहीं के नहीं रहोगे। इरम तुम तो जानती हो माशाल्लाह मेरे कोचिंग सेंटर में कितने सारे बच्चे आने लगे, कल भी 7-8 बच्चे आए थे। अब मुझे मजीद स्टाफ की जरूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? नाजिया मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अम्मी से मशवरा कर लूँ, लेकिन मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। थैंक यू। चल भाई कोने वाली दुकान से मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। ओ भाई जो चाहिए खुद लेके आओ, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ कि तुम हुक्म दोगे और मैं दौड़ा चला जाऊंगा। मुलाजिम ही हो तुम मेरे, मेरी माँ के पैसों से ये घर चल रहा है और मेरी माँ ही तुम्हारे खर्चे उठा रही है। अगर जरा से भी गैरतमंद होते ना तो खुद कुछ कमा लेते, बैठ के मुफ्त की रोटियां ना तोड़े होते। चलो जल्दी लाके दो जो मैंने मंगवाया है। नाजिया बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, एहसन पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। सच? माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी। दिखाओ। अब्बा ये सब अल्लाह का करम और आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा ये मिठाई खाओ। नहीं मिठाई पहले आप खाएंगे। ये लीजिए तुम भी खाओ। इंशाल्लाह चलो अपने दोस्तों को भी खिला के जाओ। बेटा कल ना अशरफ का दोस्त मुझे बाबर मिला था, कह रहा था कि अशरफ की दूसरी बीवी और उसके बेटे का रवैया उसके साथ इंतहाई नामुनासिब है। अशरफ बहुत पछता रहा अपना घर बर्बाद करके। जानते हैं अब्बा मैंने अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, और जब मामला रब के सुपुर्द हो जाए ना तो फिर फिक्र किस बात की। और यह है मेरे रब का इंसाफ। हर जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है बेटा, यही मकाफात अमल है। वक्त हमेशा बदलता रहता है। शकीला क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं है। तुम्हें खाने पीने के अलावा कुछ और सोचता भी है? पता है ना दानियाल के ससुराल वाले आए हुए, भी सबर करके पड़े रहो, जब मेहमान खा लेंगे उसमें से जो बचा होगा तो मैं दे दूंगी। पानी तो दे दो। Oh,
आप भी लंगर लेना है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं अंकल? मेरा आज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मामा और नाना ने ये न्यास दिलवाई है। कौन आए हसन? पता नहीं कोई साहब हैं जो खाना नहीं ले रहे। कुछ लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। दरवाजा बंद कर दो, अजनबियों से बात नहीं करते। रुको बेटा, बहुत मुबारक हो। जी फेरो, हमेशा खुश हूँ। कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम दम बस।